एंड जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ मतलब, एंड यार जब तुम पहले बंदे होते हो ना अपने फैमिली में जिसने एक अलग पाथ चूज किया होता है ना, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब DU में एडमिशन ले लियो, बाद में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर लियो, मतलब जो वही मिडिल क्लास बिल्कुल जो होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है बहुत टाइम मिलेगा लाइफ में, बट अभी नहीं, बिल्कुल अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि कुछ अचीव करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ये तो आई ओनली हैड लाइक 10-15 मिनट्स जिसमें मेरे को कपड़े चेंज करने होते थे, अपना लंच करना होता था, एंड जैसे 5-10 मिनट में खाना ठूस के भगते थे कोचिंग की तरफ। एंड जब 11th खत्म हो रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दिया। आई डिसाइडेड कि यार छोटे वाले फ़ोन पे मूव करते हैं, कीपैड वाले। एंड सोशल मीडिया वगैरह मेरे टाइम पे मैंने तो यूज़ नहीं किया, मतलब रीशफलिंग एग्जाम टाइप का कंडक्ट करवाया था, एंड उसमें मैं टॉप 5-6 में आ गया था। मतलब मैं मैथ्स में हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता था क्योंकि एक तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा होता था खुद से, एंड मेरे तो स्कूल वाले मैथ्स टीचर ने ये भी बोल देते थे कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है क्या तुम JEE प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम लोगों से तो बोर्ड भी नहीं होगा। हार्ड वर्क करना सीख गया मैं, मतलब कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, ठीक है वो सारी चीज़ें मैं JEE की वजह से सीख गया, एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट नाउ। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी JEE जर्नी के बारे में। यार बात वहीं से शुरू होती है जब मैं 9th-10th क्लास में था, तो उससे पहले मेरे को JEE वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मेरे को इंजीनियरिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज नहीं बताते ऐसे स्कूल्स में कि अच्छा इसके बाद तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, इसके बाद तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एंड मेरा स्कूल भी यार 10th तक ही था जो फर्स्ट स्कूल था, तो वहाँ पे तुम 11-12 सारे बच्चों से एक्सपोज नहीं होते, मतलब पता नहीं होता कि अच्छा इसके बाद कौन सी फील्ड्स हैं, उसके बाद क्या बनना होता है, वैसे वाले सेमिनार्स नहीं हो रहे होते, वैसे वाला कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो इन्वायरमेंट ही नहीं होता, 10th तक ही होता है, तो 10th तक वाली ही बातें होती है स्कूल में, राइट। एंड यार मैं बताता हूँ, 9th से पहले तक ना मैं काफ़ी एवरेज सा बच्चा था, ऐसे 90%, 91%, 89%, इसके आसपास ही मेरी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक मार्क्स आए थे, मतलब हमेशा कंसिस्टेंटली इसी रेंज में आ रहे होते थे, ठीक है कभी 1% ज़्यादा कभी 1% कम, एंड क्लास में ऐसे टॉप 20, टॉप 25 स्कूल में मतलब होता था, ऐसे कोई बिल्कुल ही तो बच्चा नहीं था मैं। बट 9th में आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने स्कूल अपना टॉप कर दिया था, मतलब आई गॉट द हाईएस्ट CGPA, मेरे टाइम पे CGPA होती थी। एंड जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेहनत करके तुम कोई चीज़ अचीव कर सकते हो, उस दिन उनको रियलाइज़ हुआ। उसके बाद यार एक चीज़ डिसाइड कर ली कि अब चलो यार 9th में टॉप कर लिया तो 10th में भी टॉप करते हैं, ठीक है मार्क्स वार्क्स अच्छे लेके आएंगे। मेरे टाइम पे CGPA हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली स्कूल बोर्ड होता था, मतलब बीच में अब वापस बोर्ड हो गया 10th क्लास में, पहले मेरे टाइम के लिए या फिर 2-3 साल के लिए बीच में स्कूल बोर्ड कर दिया था, एग्ज़ाम्स तुम्हारे जो होते थे वो स्कूल में ही हुआ करते थे, फाइनल टर्म वाले बोर्ड में नहीं, बोर्ड नहीं होते थे जाके बाहर, बढ़िया था तो मार्क्स वगैरह लाना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एंड यार 10th में क्या होता है, जैसे अगर तुम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, पहले बिफोर कोविड एरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे वो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते थे, तो उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट IIT JEE एग्ज़ाम, JEE मेन क्या होता है, JEE एग्जाम एडवांस क्या होता है, एंड तुम्हें IITs कैसे मिलते हैं। पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मेरे घर में कोई इंजीनियर नहीं है, मेरे घर में किसी ने लाइक PCM तो बहुत ही कम लोगों ने लिया है, ठीक है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ऐसे बहुत ही रेयर था, एंड जिन्होंने लिए उनको आइडिया नहीं था कि अच्छा ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं कॉलेजेस के लिए, ठीक है सबका मेन जो एम हुआ करता था मैक्स टू मैक्स होता था कि DU में कोई कॉलेज मिल जाए, एंड मेरा वो एम नहीं था, मतलब मेरे को कुछ बढ़िया करना था। एंड यार जब तुम पहले बंदे होते हो ना अपने फैमिली में जिसने एक अलग पाथ चूज़ किया होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तुम्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं होता, तुम्हें अपना पाथ खुद डिफाइन करना होता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है। जब मैंने 11-12 में साइंस ली थी तो मेरे मम्मी पापा तो मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से, उन्होंने कभी साइंस वाइंस का उनको आइडिया नहीं था, ठीक है मेरी फैमिली में इतना कोई ज़्यादा था नहीं जिसने कभी साइंस लियो, बस मेरे मामा को थोड़ा बहुत आइडिया था एंड वो दूर रहते थे, तो खुद ही डिसाइड करना था सारी चीज़ें कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे करना है, लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती थी, अच्छा यार तुम कहाँ से कर रहे हो, ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स या फिर उनका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन होती थी जो उनको गाइड कर देती थी, बट इस केस में ऐसा कोई था नहीं मेरे पास, तो मेरे को ही सारी चीज़ खुद एक्सप्लोर करनी होती थी, अच्छा यार ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम देना है, ये वाला एग्ज़ाम नहीं देना है, अच्छा ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, एंड ऐसे ही सारा चलता था खुद ही, राइट। तो आई गॉट टू नो अबाउट IIT JEE 10th क्लास में बिकॉज ऑफ दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड फिर थोड़ी इनके टेस्ट वगैरह दिए, ठीक ठाक चले गए,
एंड टेंथ में भी अच्छे मार्क्स आ गए एंड मेरा स्कूल टेंथ तक था तो आई हैड टू लाइक शिफ्ट टू अनदर स्कूल एंड फिर इलेवंथ में मेरी टेंथ में सेवन सी जी पी ए थी तो मेरे को इलेवंथ में अच्छा स्कूल मिल गया एंड स्कूल से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा ऑनेस्टली क्योंकि जो पीयर ग्रुप था वो बिल्कुल चेंज हो गया. मतलब माउंट कार्मल में जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, उनको पता था कि उनको लाइफ में क्या करना है एंड जो दोस्त वगैरह वहाँ पे बने दे आर लाइक रियली पंचुअल, रियली फोकस्ड कि अच्छा ये चीज़ करनी है मेरे को, ये ऐसे करनी है, उनको आइडिया था चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड वो पीयर ग्रुप काफ़ी सही बन गया वहाँ पे एंड दैट रियली हेल्प. अब कोचिंग वगैरह मैंने ज्वाइन करी यार, अब मेरे को आइडिया नहीं था कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी होती है, मतलब कोचिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, कोचिंग में बैचेस कैसे होते हैं. तो मैंने बस पापा को बोला पापा मेरे को मतलब कोचिंग में डाल दो बिकॉज मेरे को करना है एंड पापा मम्मी शुरू से यही थे कि क्या करेगा इंजीनियरिंग वगैरह करके, मतलब डी यू में एडमिशन ले लियो बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लियो, मतलब जो वही मिडिल क्लास बिल्कुल जो होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना. मैंने बोला नहीं मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे को मतलब कोचिंग में डाल दो. अब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिनकी मंथली इनकम 30-40,000 रुपीज़ है, उनके लिए कोचिंग प्लस स्कूल की फ़ीस देना इज़ नॉट दैट ईजी. मतलब पापा ने भी तो एक बार ही सोचा ही होगा कि कैसे करेंगे, बट अब अगर तुम कोई चीज़ मांगोगे अपने पेरेंट्स से वो कभी मना नहीं करते, राइट. ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो स्पॉन्सर कोडिंग निंजास. अब जो कोडिंग निंजास के बारे में नहीं जानते हैं, कोडिंग निंजास इज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज मिलते हैं, अगर तुम्हें जावा में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करना है तुम जाके चेकआउट कर सकते हो. अगर तुम्हें एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग कुछ सीखनी है तो भी यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. अब इन कोर्सेज की काफ़ी अच्छी एक बात ये कि काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे 200 प्लस हिंट वीडियोज़ मिल जाते हैं सी प्लस प्लस वाले कोर्स में एंड सिमिलरली और कोर्सेज में भी काफ़ी ज़्यादा हिंट वीडियोज़ मिलती हैं अगर तुमसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो. एंड उसके बाद भी अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है एंड तुम्हें डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तुम टी ए सपोर्ट की हेल्प ले सकते हो एंड 2-3 घंटे के अंदर तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा. और 20% ऑफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट 30% तुम्हारा अर्ली बर्ड चल रहा होता है कुछ कोर्सेज में तो एक बार कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हें कोई कोर्स लेना है तो. अपार्ट फ्रॉम दिस यार कोडिंग निंजास एक लाइव बैच स्टार्ट करने वाला है, लाइव डीएसए बैच फ्रॉम 9th October. वो यार 3.5 मंथ्स का कोर्स होगा, 90+ आवर्स के तुम्हें लेक्चर लाइव पढ़ाए जाएंगे. उसके अलावा यार तुम्हें 350 से ज्यादा प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी एंड यार 40+ तुम्हारे असाइनमेंट्स होंगे तो अगर तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ. तो वही हुआ, मतलब पापा ने बोला चलो ठीक है एंड कोचिंग में डाल दिया. अब कोचिंग में कहने के लिए तो 100% स्कॉलरशिप मिली थी बट तुम्हें पता ही 100% स्कॉलरशिप वो ट्यूशन फीस पे कम कर देते हैं, फिर भी फीस 1.5-2 लाख रुपए तो हो ही जाती है. तो वो एडमिशन मिल गया. अब तुम्हें पता है दो तरीके की बातचीत होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग होती है, उसमें एक रैंकर्स बात होता है, एक बैंकर्स बात होता है. अब जब तुम 11th के कुछ दिन बाद जाके कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम्हें वो बिल्कुल रैंकर्स वाले बैच में डाल देंगे, वो तुम्हें नॉर्मल किसी बैच में डाल देंगे. अब नॉर्मल बैच का मेरे को थोड़ी पता था उस टाइम पे कि नॉर्मल बैच होता है क्योंकि स्कूल में मेरी क्लास में कुछ लोग थे जो वो उसके टॉप बैच में थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंड वो मेरी ही क्लास में थे तो उनसे मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है, उनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके टेस्ट ज़्यादा होते हैं, उनको लाइक उनकी क्लासेस ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो होती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. तो उस टाइम मेरे को समझ आ गया कि भाई इस बैच में तो नहीं रहना, ठीक है बैच अपना चेंज करना है. और बैच चेंज करने में एक बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना भाई जब तक तुम बहुत अच्छा कुछ खाड़ नहीं लेते ना तो कोई तुम पे ध्यान नहीं दे रहा होता, ठीक है. और वही हो रहा था, मतलब 11th पूरी ऐसे ही निकल गई. पर यार जब 11th की कोचिंग स्टार्ट होने उसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि अब तो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने बोली दिया कि जे एग्ज़ाम के लिए कोई छुट्टियाँ वुट्टियाँ नहीं होती हैं. मेरे टाइम पर ना कोई जीतू भैया थे और ना कोटा फैक्ट्री हुआ करता था. तो उस टाइम मैंने क्या करा था यार, मेरी कज़न की शादी थी तो मैं उसके लिए 1 हफ्ता चला गया था एंड 1 हफ्ते में 6 क्लासेस होती हैं एंड एक टेस्ट होता है तो मेरी वो 6 क्लासेस और टेस्ट स्किप हो गए थे एंड उसने मतलब मेरे को उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था कि यार ये वाली चीज़ मैं कैसे पढ़ूँ, ये वाली चीज़ कहाँ से पढ़ूँ, कैसे होगा ये सब. तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार नहीं, मतलब ये 2 साल में छुट्टी नहीं लेनी है, ठीक है. अपने बुआ के घर, ठीक है, मामा के घर, चाचा के घर, सबके घर बाद में चले जाएंगे, ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा लाइफ में, बट अभी नहीं, बिल्कुल अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि कुछ अचीव करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है. ये तो नहीं हो पाएगा. अपना मंडे को टेस्ट होते थे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को क्लासेस होती थी एंड तुम्हें बता दूँ स्कूल का थोड़ा सीन ऐसे बढ़िया सा नहीं था. मतलब
मेरे को स्कूल जाने के लिए रोज सुबह 5:30 के अराउंड उठना पड़ता था बिकॉज स्कूल थोड़ा दूर था एंड घर से मेट्रो स्टेशन भी दूर था एंड स्कूल में बस प्रोवाइड नहीं करते थे 11th-12th वाले स्टूडेंट्स को, बोलते थे तुम बड़े हो गए हो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ट्राई करो एंड दैट वाज अ गुड थिंग। तो खुद आओ, मतलब अपना पर्सनल व्हीकल लाओ या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी यूज़ करो, बट स्कूल बस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी वो चीज़, क्योंकि मेरे को डे 1 घंटे के अराउंड लग जाता था स्कूल जाने में ही एंड 1 घंटा आने में। तो मेरी कोचिंग 4 बजे हुआ करती थी, स्कूल 2 बजे ख़त्म होता था एंड फिर 1 घंटा में मैं घर पहुंचता 3 बजे, मेरे को कोचिंग जाने में भी आधा घंटा लगता था। तो आई ओनली हैड लाइक 10-15 मिनट्स जिसमें मेरे को कपड़े चेंज करने होते थे, अपना लंच करना होता था एंड जैसे ही 5-10 मिनट में खाना ठूस के भगते थे कोचिंग की तरफ ताकि अच्छी सीट मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अच्छे से पढ़ पाओ, क्योंकि अगर पीछे बैठोगे तो फिर पीछे तुम्हारे आसपास लोग खचर पचर करते रहते थे, कॉन्सेंट्रेट तुम कर नहीं पाओगे, चीज़ें तुम समझ नहीं पाओगे एंड वो फिर वेस्ट हो जाएगा एक तरीके से। इसलिए जल्दी जल्दी भाग के जाते थे अपने कोचिंग में एंड बढ़िया था। मतलब वो वाला टाइम ने एक चीज़ सिखा दी यार, हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब 11th ख़त्म हो रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दिया, बिकॉज मेरे को मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते थे, मेरे को केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें ढंग से नहीं आती थी, मेरे को फिजिक्स थोड़ी ठीक ठाक, मतलब मैं कह सकता हूँ फिजिक्स मेरे को आती थी फिर भी, बट मैथ्स मेरी बिल्कुल ही वीक थी एंड केमिस्ट्री मतलब ओके ही थी। उसके बाद मैंने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया कि जो मेरे पास फ़ोन था, मेरे को मतलब 11th में पहली बार एक एंड्रॉयड फ़ोन मिल गया था एंड उस टाइम पे ऐसे डेटा इतना इजीली नहीं मिलता था, उस टाइम पे 100 रुपये में 1 या 2 GB मिलते थे एंड मैं महीने के वही 20-30 रुपये का रिचार्ज कराता था, गाने वाने सुन लिए कभी स्कूल जाते हुए एंड हमें स्कूल में फ़ोन अलाउड थे बट वो जाते ही तुम्हें सबमिट करने होते थे, ठीक है, तो वो जाते ही सबमिट कर दिया करते थे, वापस आते ही मिल जाते थे। तो यही सीन चलता था बीच में। तो फिर बाद में जब ये वाला सीन हुआ तो आई डिसाइडेड कि यार छोटे वाले फ़ोन पे मूव करते हैं, कीपैड वाले, एंड मैंने पापा को बोला पापा ये जो फ़ोन है मैं रख रहा हूँ, ठीक है, एंड अब कीपैड वाला फ़ोन ही यूज़ करूँगा 1 साल के लिए पूरे 12th में एंड उसके बाद फिर बाद में ले लेंगे कोई नया फ़ोन वो लेना होगा, तो अभी इस पर ही मूव करते हैं। तो दैट एक्चुअली लाइक हेल्प एंड सोशल मीडिया वगैरह मेरे टाइम पे मैंने तो यूज़ नहीं किया, मतलब फेसबुक पे मैं था बट फेसबुक मैंने अनइंस्टॉल डीएक्टिवेट जो भी होता है कर रखा था, इंस्टाग्राम पे मैं था ही नहीं जेई प्रिपरेशन के टाइम, द ओनली सोशल मीडिया आई यूज़ वॉज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स वगैरह होते थे अपने क्लास के उन पर भी ज़्यादातर नोट्स वोट्स लेने हो गए, नॉर्मल लोगों से बात बात हो गई, दिस वॉज ऑल जो जहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा हुआ करता था, उसके अलावा यार मोस्टली पढ़ ही रहे होते थे। फिर एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई जब 11th ख़त्म हुई ना, मतलब मैंने 11th से 1-2 महीने पहले वाली चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मेरे को भाई अपना बैच चेंज करना है, तो हम रोज़ अपने जो डिपार्टमेंट हेड थे मतलब जो कोचिंग के हेड थे उनके पास जाया करते थे मैं और मेरा एक दोस्त अर्जुन कि भाई हमें बैच चेंज करना है, हमें बैच चेंज करना है, कुछ करो, बिल्कुल ऐसे घुस गए थे उनके में कि करो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर उन्होंने फाइनली एक रीशफलिंग एग्ज़ाम टाइप का कंडक्ट करवाया था एंड उसमें मैं टॉप 5-6 में आ गया था, मतलब पढ़ पढ़ के टॉप 10 में आ गया था, 5-6 तो शायद नहीं बट टॉप 10 में मैं आ गया था। तो बैच फिर उसके बाद थोड़ा बढ़िया मिल गया था, बैच अच्छा मिलने का मतलब है जो उस कोचिंग के बेस्ट टीचर्स थे वो पढ़ा रहे थे उसके बाद, एंड अगर कोचिंग के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया था। बट कोचिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये थी कि जो हमारा मैथ्स का टीचर था ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता था एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी मैथ्स कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाई काफ़ी, मतलब मैं मैथ्स में हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता था क्योंकि एक तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा होता था खुद से एंड कोई पढ़ा नहीं रहा था ढंग से, ठीक है, फिजिक्स फिर भी लोग अच्छे से पढ़ा देते थे, फिजिक्स में मेरे को इंटरेस्ट भी था एंड केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट टफ अगर तुम अच्छे से पढ़ लो, तो यही सीन था एंड मैथ्स कभी भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं, बोर्ड्स में 95-96 मार्क्स ले आया था मैथ्स में, तो इतनी डिसेंट थी कि अगर नॉर्मल वॉल में कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कर दूंगा, बट ऐसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे एंड मेरे तो स्कूल वाले मैथ्स टीचर ने ये भी बोलते थे कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या तुम जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम लोगों से तो बोर्ड भी नहीं होगा, मतलब ये वाली चीज़ स्कूल में बोल दी गई थी क्योंकि हम स्कूल में मैं तो बिल्कुल ध्यान व्यान नहीं देता था क्लासेस में, अपना बीच में चिल कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है स्कूल में मैं ले आऊँगा बोर्ड में मार्क्स एंड मैं ले आया था बोर्ड में मार्क्स 6। द ओनली क्लास आई एंजॉयड ड्यूरिंग स्कूल वॉज कंप्यूटर वाली, कंप्यूटर साइंस वाली क्लास में मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा होता था एंड आई यूज़ टू टॉप इन कंप्यूटर्स, जब सब लोगों के काफ़ी कम मार्क्स आ रहे होते थे 30-30, 40-40, 70 में से मार्क्स आ रहे हैं, मैं 55-60-62 ऐसे कुछ मार्क्स ला रहा हूँ एंड मैम कह रही थी तुम तो काफ़ी बढ़िया करोगे बट सिली मिस्टेक्स करने के कारण वो कंप्यूटर में एडमिट टॉप नहीं कर पाया, वो एक अलग स्टोरी है बट ठीक है। बट हाँ, एक दिमाग में होता है यार, मतलब आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग,
बट मेरे को पता था कि जेई एडवांस में मैं बहुत अच्छी रैंक कभी नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। मेरा मेरे को पता था कि मैं नहीं हूँ वो 100, 200, 1000, 1500, 2000 वाला कि मैं पता नहीं बहुत ही बढ़िया रैंक लाऊंगा, मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी किसी अच्छे IIT में। आई न्यू दैट, बट मैंने अपने रियलिस्टिक गोल्स वगैरह सेट कर लिए थे कि मेरे को बाद में, जब मैं स्कूल गया, स्कूल जाके मेरे को पता चला अच्छा NSIT एक कॉलेज है और NSIT मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास है। मेरे को नहीं पता था कि ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है काफ़ी टाइम तक। एंड DTU एक कॉलेज है, IIIT दिल्ली एक कॉलेज है, दीज आर रियली गुड कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम IITs। एंड इनका एंट्रेंस जो होता है एज कम्पेरेटिवली ईजी होता है, मतलब मेन्स इज मच ईजियर देन JEE एडवांस। तो मैंने कहा यार ये इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से करते हैं, एडवांस होगा तो देख लेंगे, बट नहीं हुआ तो कोई ज़्यादा बर्डन है नहीं। तो भाई JEE मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करी, उस टाइम पैसे चार चार वो तो नहीं हुआ करते थे, एक ही होता था अटेम्प्ट, एक बार तुमने फेल दिया तो फेल दिया, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तुम्हारा। तो रियलिस्टिक गोल्स मैं हमेशा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। पता नहीं ये अच्छी चीज़ है कि नहीं अच्छी चीज़ है, कि मैं बहुत ज़्यादा हाई एम नहीं करता हूँ इज़ अ बैड थिंग, या फिर जितना मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ अचीव कर पाऊँगा मैं उतना ही एम करता हूँ, इज़ दैट अ गुड थिंग? तो ठीक है, बट सम एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यार यही थी अपनी पूरी JEE स्टोरी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी जब स्कूल होता था, मैंने तुम्हें जैसे बताया था कोचिंग से वापस आने के बाद 8-9 बज जाया करते थे, 9 बजने के बाद फिर जल्दी से अपना डिनर विनर करो, फिर बैठो पढ़ने 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करो, फिर वही 12-1 बज गए, 12-1 बजे सो, फिर सुबह फिर से 5:30 बजे उठ के स्कूल जाओ। तो मेहनत करी एंड मेहनत का फल मिला। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी जो हुई JEE की वजह से वो थी कि हार्डवर्क करना सीख गया मैं, मतलब कि हार्डवर्क कैसे करते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं JEE की वजह से सीख गया एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट नाउ। तो हर प्रोसेस से तुम कोई ना कोई चीज़ सीखते हो, इवन इफ़ यू फेल, इवन इफ़ यू डोंट गेट इन टू अ गुड कॉलेज, तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, तुम मेहनत करना सीख जाओगे और तुम पंचुअलिटी सीख जाओगे, ठीक है, तुम कंसिस्टेंसी सीख जाओगे एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन योर लाइफ, ठीक है। इसी नोट के साथ यार इतना ही था आज वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।